चलो ठीक। सो लास्ट क्लास में हमने गिफ और जेपीजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और गिफ के कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किए थे कि गिफ इज बेसिकली अ ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। इट इज एन 8 बिट इमेज दैट कंटेन्स 8 बिट पर पिक्सल। इन अदर वर्ड्स गिफ का मतलब ये होता है कि इसके हर पिक्सल हमारे पास मेमोरी में 8 बिट लेते हैं। उस हिसाब से मैक्सिमम कलर्स जो इसके अंदर हम दे सकते हैं वो हमारे पास 256 कलर्स आते हैं पर पिक्सल। ओके, इसी में से वो बेसिक चॉइस उठाता है और कलर असाइन करता होता है। गिफ की जो मेजर फीचर ये आता है कि उसकी फाइल साइज बहुत कम होती है, लेकिन कलर और जो कलर की इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत कम आ जाती है इसके अंदर। तो उसका नुकसान और फायदा दोनों अपने साथ में मौजूद है कि इसकी क्वालिटी बहुत कम होती है लेकिन फाइल साइज भी कम होती है। सिमिलरली जब हम जेपीईजी की बात करते हैं तो जेपीजी इज अ 24 बिट इमेज, विच बेसिकली मीन्स दैट ईच पिक्सल ऑफ जेपीजी अनकंप्रेस्ड पिक्सल हमारे पास मेमोरी में वो 24 बिट्स लेता है, 3 बाइट्स, ईच पिक्सल 3 बाइट्स मेमोरी में लेता है। उस 3 बाइट्स के अंदर हमारे पास आरजीबी की सेपरेट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इन अदर वर्ड्स 1 बाइट फॉर रेड, 1 बाइट फॉर ब्लू, 1 बाइट फॉर ग्रीन, और इनकी कॉम्बिनेशन से मिलियंस ऑफ कलर्स हमारे पास अचीव होते हैं और वो जेपीजी इज एबल टू रिप्रेजेंट दोज मिलियंस ऑफ कलर्स। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ जेपेग। JPEG being 24 is able to represent millions of colors per pixel के हिसाब से। एक pixel में वो millions of color की variety में से कोई भी color दिखा सकता है। तो एक overall image के अंदर millions of colors हमारे पास आ जाते हैं because each pixel has 3 bytes, और 3 bytes का मतलब ये कि red, green, blue हमारे पास तीन चीजें अलग हो जाती हैं। उन तीन चीजों के हिसाब से उनकी कॉम्बिनेशन बनती है कि वो रेड के 256 शेड्स आ जाते हैं, ब्लू के 256 आ जाते हैं, ग्रीन के 256 आ जाते हैं। तो हर कलर के अलग अलग 256 शेड्स बनते हैं, और फिर जब उन तीनों को कंबाइन किया जाता है तो एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम के तहत हमारे पास मिलियंस ऑफ कलर्स की कॉम्बिनेशन मिलती है। जेपीजी हैज अ वेरी कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वेरी हाई क्वालिटी इमेज। ठीक है, हाई क्वालिटी से मकसद ये है कि उसमें हम बहुत ज्यादा पिक्सल्स भी रख सकते हैं, बहुत कम पिक्सल्स भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम क्या करना चाह रहे हैं। साथ साथ बिकॉज जितने ज्यादा पिक्सल्स हैं तो मैं कलर वेरिएशन भी बहुत ज्यादा दे सकता हूं और बहुत ज्यादा कलर इन्फॉर्मेशन को हम उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई जेपीजी हैज बिकम अ मोस्ट पॉपुलर फाइल फॉर्मेट अराउंड द वर्ल्ड। एवरी सिस्टम नाउ सपोर्ट्स जेपीईजी। रिमेंबर, जेपीईजी टेक्निकली एक एल्गोरिथम का नाम है, एक फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, एक एल्गोरिथम है जिसके तहत इस कलर इंफॉर्मेशन को उस फाइल में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो टेक्निकली वी से जेपीईजी इज आल्सो और इज अ कलर सॉरी इज अ एल्गोरिथम दैट इज एबल टू रिप्रेजेंट कलर्स इन अ फाइल। ठीक है, और ऑब्वियसली इस जो एल्गोरिथम है वो कंप्रेस करने का है। ठीक है, वो फाइल को एक्चुअली कंप्रेस करते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक फाइल के अंदर जो हम कहते हैं कि यार एक पिक्सल 3 बाइट्स लेता है जेपीजी का, और इस हिसाब से अगर 100 पिक्सल्स हैं उसमें तो 300 बाइट्स होंगे, लेकिन उसकी फाइल साइज 300 बाइट्स नहीं होती, वो कंप्रेस होती है। ठीक है, कंप्रेशन इज डन। कंप्रेशन इज सिंपली डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डेटा टू सेव फाइल साइज। ठीक है, वी कंप्रेस द डेटा, वी रिड्यूस द डेटा सो दैट वी कैन लोअर द फाइल साइज। तो जेपेग दरअसल एक कंप्रेशन एल्गोरिथम है जिसके तहत फाइल साइज को रिड्यूस किया जाता है। ओके, अनकंप्रेस्ड फाइल जो है उसके अंदर मिलियंस ऑफ कलर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जेपीजी कंप्रेशन एल्गोरिथम है वो इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ कलर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो कुछ मखसूस हद तक कलर्स को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, और वो कलर्स हम जो है वो यूज करते हैं फॉर वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशंस, चाहे कहीं भी आप जाएं वो हर जगह यूज होती है। अब वो कंप्रेशन जो है वो हमने कहा जेपीजी के अंदर दो टाइप्स की होती है, या जनरली भी अगर आप बात करो तो कंप्रेशन दो टाइप्स की आती है, एक कहलाता है लॉसी कंप्रेशन, एक कहलाता है लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है, लॉसी कंप्रेशन में डेटा लॉस होता है, लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर डेटा जो है वो लॉस नहीं होता। ये चीजें कल हमने क्लास में लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। ओके, और इसी के हमने कुछ एग्जाम्पल ये भी देखा था कि दिस इज अ सिंपल इमेज दैट हैज बीन कंप्रेस्ड विद 10% क्वालिटी, तो फ्रॉम 100% तो उसको 10% तक रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यू कैन सी कि देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डिटेल्ड क्वाइट विविडली अवेलेबल विद इन दिस इमेज, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सीन्स का इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है हमारे पास। यही ब्यूटी मिलती है हमें जेपेग के अंदर। इसी वजह से एवरी डिवाइस एवरी सिस्टम नाउ जेपेग को फेवर करता है और उसको यूज कर रहा है, बिकॉज उससे हमारा मकसद बड़ी आराम से और बड़ी पॉजिटिवली अचीव हो रहा होता है। ठीक है, जेपेग और गिफ, अब यहाँ पे हम आज का बेसिक टॉपिक जो था स्टार्टिंग पॉइंट दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जेपीजी एंड गिफ। ओके, जेपेग एज आई डिस्कस्ड यूजेस अ 24 बिट कलर इमेज, वेयर एज गिफ जो है वो 8 बिट है।
24 बिट का अगेन मतलब ये हुआ कि उसका एक पिक्सल मेमोरी में 3 बाइट्स लेगा अनकंप्रेस्ड, whereas GIF का एक पिक्सल मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट लेगा या 1 बिट लेगा, ठीक है। ये उसकी कलर डेप्थ है या कलर डेटा टाइप उसको आप कह रहे हैं। कंप्रेशन जो हमारे पास JPEG के अंदर होती है प्राइमरीली लॉसी कंप्रेशन होती है, ठीक है, मींस क्वालिटी हमारे पास रिड्यूस होती है, डिग्रेड होती है, क्वालिटी कम की जाती है और उसमें डिफरेंट एल्गोरिथम के तहत काम किया जाता है। हाँ, JPEG is able to support lossless as well, ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज भी है कि उसमें टेक्निकली लॉसी कंप्रेशन होती है लेकिन हम उसमें सेटिंग्स में जाके इस तरह से उस पर काम कर सकते हैं कि उसके अंदर लॉसलेस कंप्रेशन भी अचीव हो, लेकिन प्राइमरीली JPEG is known to have a lossy compression, ओके। कंप्रेशन मैंने कहा किस तरह से होती है, उसका क्या एल्गोरिथम है, we will talk about that in further future classes, ओके। वो अलग से एक पूरा चैप्टर है, वो हम उसमें बात करेंगे। फिलहाल जो उसका बेसिक एल्गोरिथम काम करता है वो बेसिकली 8 बाई 8 पिक्सल्स का एक ब्लॉक बनाता है, ठीक है, और वो हमारे पिक्सल्स के ऊपर कंपोज किया जाता है। अब 8 बाई 8 का मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल किस तरह से समझाऊं कि फॉर एग्जांपल अच्छा चलो ये काम ये करते हैं, लेट मी ओपन एन एक्सेल फाइल और थोड़ा सा मैं इस कंप्रेशन को एक्सप्लेन कर दूं कि JPEG के अंदर हम एक्सप्रेस कंप्रेस कैसे किया जाता है। Similarly, if I open the image, yeah, इस image को खोल देते हैं, बल्कि I think हमने ये image के ऊपर भी बात की थी, right? खोल जा सिम, right click, edit. Okay, so I hope you can all see this image. So this is now a standard image that has a resolution of 1200x622. Okay, let me move that. 1200x628. एक normal file size. Okay, जब इसको हम compress करते हैं, तो इसकी हम file size को reduce करते हैं. तो ये MS Paint के अंदर ही खुला हुआ है, यहीं पे एक option दिया हुआ है resize का. So if I click on this resize, इस वक्त इसकी 100%, इस current situation में 100% इसकी resolution है. For example, मैं इसकी reduce कर लेता हूँ 10 पे. इसका मतलब ये कि इस original image को 10% पे reduce करता हूँ. So if I click OK, so now this is reduced to 10% size. ठीक है, zoom हमारे पास 100% है. If I start to zoom in, now you start to see that this pixel is pixelated. ये image हमारे पास pixelated हो गई. लेकिन अगर हम इसको zoom out करके दूर से देखें, तो अभी भी it creates a good enough thumbnail to give us information कि यार एक bookshelf है, उसपे कुछ books पड़ी हैं, chair है और पूरा एक room का setup है. Even at a 100% and very small size, from original to 10%, हमें थोड़ी बहुत information मिल रही है कि इस picture के अंदर क्या data मौजूद है. जब हम इसको zoom in करते हैं, ठीक है, and if I zoom into, for example, 800%, so now you can see this, it's pixelated. ये blocks of pixels बन गया, ठीक है? अब यहाँ पे compression काम आती है. जब हमने इसकी file size reduce की, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं, this is a lossy compression. Lossy in a sense ये कि अब उसके pixels हमारे पास completely distort हो गए. As compared to original image, उसमें हमारे पास detailed एक-एक information मौजूद थी. For example, if I hit Control Z, and if I hit Control Z and I zoom out again, okay, now you can see this कि ये हमारे पास 100% original image है. ये original image है. इसमें एक-एक book मुझे वाज़े तौर पे नज़र आ रही है. This is what we refer to when we talk about resolution or when we refer to high quality. Even if you look at this top right corner, या यहाँ पे देखो तो एक-एक book का जो folder है, मेरे पास वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है. ठीक है? ओके, तो ये बुक हमारे पास जो है वो वाज़े तौर पे नजर आ रही है. दिस इज व्हाट वी रेफर टू इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल क्वालिटी. इसी चीज को रेफर किया जाता है. जब मैं इस पे ज़ूम करूंगा तो आई कैन स्टिल रीड सम इंफॉर्मेशन, सम टेक्स्ट ऑन दिस बुक, और मैं इसकी कुछ इंफॉर्मेशन को हम चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक एक फाइल, एक एक पेज, एक एक डॉक्यूमेंट, ये रसीद मौजूद है. जब इसको हम कंप्रेस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 25% पे लेकर आ गया, ठीक है, क्लिक ओके किया, तो नाउ दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन कंप्रेस्ड. तो दूर से अभी भी मुझे उसी तरह अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको जूम इन करना शुरू करूंगा, यू विल नोट कि अब वो जो माइनर डिटेल्स थी, जैसे यहाँ पे रस्सी थी, वो रस्सी गायब हो गई. जो बुक्स की डिटेल्स थी कि एक एक बुक हमें अलग नजर आ रही थी, सी दिस इट अपीयर्स एज अ ब्लॉक. ओके, इफ आई जूम इनटू इट फर्दर, नाउ यू कैन सी कि अब वो पूरा एक ब्लॉक नजर आ रहा है, थोड़ी सी कलर चेंज नजर आ रहा है. वो यहाँ पे एक रस्सी थी, वो हमारे पास गायब हो गई. ओके, दिस इज व्हाट वी डू इन कंप्रेशन, और इन अदर वर्ड्स लॉसी कंप्रेशन, के डेटा लॉस हो रहा है. डेटा लॉस होने का मतलब ये कि जो डिटेल्ड आपकी इमेज में जो बारीकी मौजूद थी वो खत्म हो गई.
यही चीज रेजोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करती है, जितने ज्यादा पिक्सल्स पर इंच एरिया होंगे मैं उतनी बारीकी से इंफॉर्मेशन को दिखा पाऊंगा, जितने कम पिक्सल्स मैं रखता जाऊंगा कलर इन्फॉर्मेशन रिड्यूस करता जाऊंगा उतनी ही डिटेल्ड मेरी इमेज में से खत्म होती जाएगी। तो नाउ यू कैन सी दिस, आई कैन सी देयर इज सम ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं या डेस्कटॉप पीसी पड़ा है, मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही बिकॉज मैंने इसको लॉसी कंप्रेशन कर दी। ठीक है, दूसरा फिर लॉसी कंप्रेशन के अंदर जैसे इस यहाँ पे हमने स्लाइड में एक मेंशन किया हुआ है 8x8 पिक्सल का ब्लॉक बनता है। तो बेसिकली कंप्रेशन में किया ये जाता है कि डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हैं तो वो एक पिक्सल के अराउंड जो है उसके ब्लॉक्स बना देता है और उस तमाम ब्लॉक्स को एक सिंगल कलर असाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्सल थी तो टेक्निकली यहाँ पे रस्सी थी, अब वो क्या करेगा कि इस पिक्सल्स के गिर्द जितने भी पिक्सल्स हैं उसको उठाएगा, उन सबको उसने एक सिंगल कलर दे दिया। ठीक, जिसकी वजह से उसके पास जो कलर इन्फॉर्मेशन थी वो चली गई, और क्योंकि हमें पता है कि तस्वीर के अंदर बेसिकली पिक्सल टू पिक्सल कलर वेरिएशन ही क्रिएट होती है, तो जब कलर ही इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई तो हमें ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन खत्म हुई। जैसे यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो यू कैन सी दिस इट्स जस्ट अ व्हाइट ब्लॉक। तो इसने किया क्या कि इस एक पिक्सल के गिर्द उसने जितने भी पिक्सल्स थे उन सबको एक ब्लॉक बनाया 8x8 पिक्सल्स का और सबको एक कलर असाइन कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन एन एक्सेल फाइल एंड गिव यू अ स्मॉल डेमो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय 8x8 पिक्सल। ओके, इसको उठा के मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आया, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ग्रिड आ गई, लेट मी इवन गो इनटू इट एंड गिव इट अ लिटिल बिट हार्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक पिक्सल का ग्रिड ब्लॉक आ गया। अब इसमें होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल इनिशियली मेरे पास एक पिक्सल है जिसका कलर मैं कर देता हूँ, लेट्स जस्ट डू दिस। ठीक है, एक का कलर डिफरेंट कर दिया, दूसरे का कलर जो था हमने डिफरेंट कर दिया, तीसरे का कलर हमने और डिफरेंट कर दिया, और इसी तरह से लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर्स। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ के जो पिक्सल्स हैं उनको थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ डिफरेंट कलर्स हम असाइन कर रहे हैं। ओके, ताकि मैं अपने पॉइंट को जरा सा क्लियरली वाजे कर सकें। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हम बड़ी बारीकी से डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्लॉक्स जो थे वो असाइन किए हुए हैं। ओके, और ये चीज अलग हो गई, एंड सिमिलरली इसको हमने डिफरेंट कलर दे दिया। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्सल उठाया और इसको कलर मैंने डिफरेंट कर दिया क्योंकि इसको मैं एक्चुअली उसी के टोन में रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो लेट मी गिव इट अ लाइटर टोन टू दिस थिंग, और फिर यहाँ पर आके इसको मैं फॉर एग्जाम्पल अगेन टोन दिया, तो ये मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ पिक्सल्स हमारे पास क्रिएट हो गया। ओके, अब जब हम कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन क्या करता है कि वो 8x8 पिक्सल्स का ब्लॉक उठाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पिक्सल ब्लॉक उठाया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये मेरे पास कलर इन्फॉर्मेशन जो थी वो इस ऑब्जेक्ट्स की पेस्ट हो गई। ओके, तो अज्यूमिंग ये हमारे पास एक पिक्चर बना है। अब जब कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेशन में बेसिकली क्या उठाया जाता है कि इट टेक्स वन पिक्सल और उस पिक्सल के इर्द गिर्द जो पिक्सल्स ब्लॉक्स बनते हैं उसको वो एक सेम कलर असाइन कर देता है इन लॉसी कंप्रेशन। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हमें इसमें जैसे जेपीजी में कहा कि 8x8 का ब्लॉक आता है, तो वो क्या करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पिक्सल्स उठाए और इसी तरह से 4 और 4 ये 8 ब्लॉक उठाए, तो ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ पिक्सल्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पे यू कैन सी दिस कि दिस अ वेरिएशन ऑफ कलर्स, तो वो क्या करता है कि इन तमाम कलर्स की एक एवरेज निकालता है और इन तमाम की एवरेज निकालने के बाद उसको लगता है कि यार इनका कलर हमें फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक दे दिया। Hence, क्या हुआ कि जो माइनर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी वो सब चली गई और इस पूरे ब्लॉक को एक एवरेज निकालकर 8x8 पिक्सल के रो कॉलम के हिसाब से सेम कलर आ गया। हालांकि उसमें वेरिएशंस बहुत मौजूद हैं, लेकिन उसने कहा कि मुझे कंप्रेशन करनी है तो मैंने कंप्रेशन अलग कर दी। अब 8x8 का मतलब ये कि 8 पिक्सल्स इन रो और 8 पिक्सल्स इन हाइट, मतलब रो और कॉलम फॉर्म, तो टोटल हमारे पास 8x8 जाके 64 पिक्सल्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 8x8 की is equals to we get approximately 64 pixels, right? अगर एक पिक्सल आपका मेमोरी में जेपीजी के अंदर 3 bytes ले रहा है, that basically means कि this 64 multiply by 3, ठीक है? Let me do this 64 multiply by 3, ये चीज होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आप इसका आंसर उठाएं, तो this should be equal to 64 multiply by 3 around 192 bytes. ओके, इसका मतलब ये कि इसकी जो हमारे पास मेमोरी में होनी चाहिए वो अराउंड 192 बाइट्स होने चाहिए। अगेन मैंने 8x8 पिक्सल्स उठाए, इसका मतलब इसमें 8 पिक्सल्स इस रो में, 8 पिक्सल्स इस रो में, तो 8x8 का मतलब ये टोटल हमारे पास 64 पिक्सल्स आ गए। इन 64 पिक्सल्स की अगर हम बात करें तो एक पिक्सल हमारे पास मेमोरी में 3 बाइट्स ले रहा है,
तो टोटल को हम मल्टी एक टोटल जब हम इसका करेंगे तो क्योंकि एक पिक्सल मेमोरी में 3 बाइट्स ले रहे हैं ठीक है, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन टोटल हमारे पास 192 बाइट्स आ गए ठीक है। होपफुली बात थोड़ी समझ में आएगी कि इसकी मेमोरी में 192 बाइट्स है सिर्फ 8 बाय 8 पिक्सल का। जब इसको हमने कंप्रेस किया तो कंप्रेस करते वक्त हमने क्या किया कि जो एल्गोरिथम हमने लगाया वो ये कहता है कि यार ये 8 पिक्सल्स हैं इन सबको मैंने एक ही कलर दे दिया, मेमोरी लॉस की एवरेज निकाला डेटा लॉस करके मैंने 8 कर दिया, हेंस अब जो मेरे पास कलर इन्फॉर्मेशन रही वो 3 बाइट्स की रही आरजीबी के हिसाब से ठीक है। आरजीबी के हिसाब से मुझे 3 बाइट्स कलर के लिए चाहिए और ये जो 8 बाय 8 का मैंने ब्लॉक बनाया है इसके लिए मैक्सिमम मैं 3 बाइट्स और यूज कर लेता हूं, हेंस मैं 3+3 कर दिया इज इक्वल्स टू कितने बने मेरे पास 6। ये हो गई कंप्रेशन। तो जहां पे पहले 192 बाइट्स लग रहे थे मैंने कंप्रेशन के एल्गोरिथम ऐसा लगाया कि यार 8 बाय 8 का ब्लॉक बनाओ ठीक, उस 8 बाय 8 की ब्लॉक की इंफॉर्मेशन मैक्सिमम मैंने 3 बाइट्स में रखी कि यार यहां से यहां तक ये ब्लॉक बनाया ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने एक 3 बाइट्स के अंदर रखी। मैं अपने हिसाब से एल्गोरिथम बता रहा हूँ, हर एल्गोरिथम टेक्निकली डिफरेंट तरीके से काम करता है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि यार फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक का क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन रखनी होगी कि कहां से कहां तक है, तो ये पिक्सल 1 है, ये पिक्सल 2 हुआ, पिक्सल 3 हुआ, तो इस तरह से ये 64 पिक्सल है, इनका डेटा मैंने एक 3 बाइट्स के अंदर सेव किया। उसके बाद इन पूरे 16 पिक्सल्स पे कौन सा कलर आएगा, तो क्योंकि मैंने सबको एक ही कलर दे दिया तो मुझे सिर्फ एक ही दफा आरजीबी की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम 3 बाइट्स, मैक्सिमम आरजीबी के लिए 3 बाइट्स लिए, हेंस जब मैंने टोटल किया तो मैक्सिमम 6 बाइट्स के अंदर मैंने 16 पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन दे दी 64 पिक्सल्स की, जबकि अगर मैं अनकंप्रेस रख रहा हूं तो 192 बाइट्स आ रहे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन कंप्रेशन, दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज लॉसी कंप्रेशन, जहां पे डेटा आपका लॉस हो गया, ओरिजिनल डेटा में बहुत बारीकी से पिक्सल इंफॉर्मेशन थे, जब आपने उसको कंप्रेस किया तो आपने पूरा ब्लॉक उठाया और सबको एक ही कलर असाइन कर दिया। जब सबको एक ही कलर असाइन हो गया तो अब उस पूरे ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक ही दफा हम इंफॉर्मेशन रख देंगे कि यार ये कलर है इतने ब्लॉक्स पे लगा दो, तो बाइट साइज आपकी रिड्यूस हो गई, पहले 192 बाइट्स थे अब 6 बाइट्स हुए। दिस इज व्हाट टेक्निकली कंप्रेशन डज ठीक है, ये चीज होती है कंप्रेशन में। तो जब हम इमेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे नोट करो ये पूरा ब्लॉक हो गया, यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज की गई कि वो 64 पिक्सल्स का ब्लॉक उठाया उसको एक कलर दे दिया, फिर जहां पे और एवरेज निकाल के कैलकुलेशन उसकी अपनी होती है पूरी एल्गोरिथम की, जहां पे कलर डिफरेंस बहुत ज्यादा था वहां पे उसने व्हाइट और ग्रे का शेड दे दिया, जहां पे कलर डिफरेंस कम था प्योर व्हाइट आ गया, जहां पे कलर डिफरेंस कम था प्योर व्हाइट आ गया, इसी तरह से जहां पे कलर डिफरेंस कम था वहां पे प्योर उसने ब्लॉक देता चला गया। इस वजह से जो डेटा लॉस हमारे पास हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ। अगेन कंट्रोल जेड, मैं इसको अंडू करके चेक करता हूँ, सीधे ये ओरिजिनल इमेज वापस आई, फिर अब ये 100% पे, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ 200 पे, इफ आई कम डाउन तो ये देखो इसका एक हुक नजर आ रहा है, ये बार नजर आ रहा है, ये स्क्रू के दो व्हाइट बटन नजर आ रहे हैं और ये रस्सी मुझे नजर आ रही है, होपफुली आपको भी क्लियर नजर आ रही होगी। इसी तरह से एक एक फाइल फोल्डर मुझे सेपरेटली नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये व्हाइट कलर के जो फाइल फोल्डर्स थे एक एक फाइल फोल्डर मुझे सेपरेटली नजर आ रहा है ठीक है, लेकिन जब हम इसको कंप्रेस करते हैं लॉसी में डेटा चला जाता है, व्हाई, बिकॉज इट क्रिएट्स अ ब्लॉक, वो देखता है यार सब व्हाइट कलर के ही हैं, सब व्हाइट कलर के ब्लॉक्स को उठाया, एक एवरेज निकाला कलर शेड का, सबको एक पकड़ा दिया, उससे क्या हुआ फाइल साइज तो बड़ी जबरदस्त तरीके से कम हो जाती है लेकिन कंप्रेशन में हमारे पास जो है उसका डेटा भी लॉस हो जाता है। दिस इज व्हाट वी रेफर टू इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट लॉसी कंप्रेशन। ऑब्वियसली इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, मैंने कहा जेपेग लॉसलेस को भी सपोर्ट करता है, लॉसलेस का बेसिक मतलब ये होगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ठीक है वो क्या करेगा कि वो 4x4 का एक पैनल बना देगा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम हियर और मैं यहाँ पे एक और कलर्स की वेरिएशन फैला दूं, अब अगर ये मेरे पास आ गया तो एक ये हुआ 8x8, तो समटाइम्स हम 4x4 का पैनल भी बनाते हैं ठीक है। 4x4 पैनल का मतलब बनाने का मतलब ये कि अब 16 पैनल्स ग्रुप पिक्सल्स का एक ग्रुप बनेगा, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुल 8x8 1, 2, 3, 4 ये 4 पिक्सल्स उठाएगा, फिर इनको एवरेज आउट कलर निकाल देगा कि मेरे हिसाब से इनका जो कलर था फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ये वाला असाइन हो गया ठीक है। तो अब क्या होगा कि थोड़ी इंफॉर्मेशन कम लॉस होगी और डेटा के हिसाब से जो वैल्यूज होंगी हमारे पास वो थोड़ी सी ज्यादा तौर पर हमें वाजे नजर आएगी ठीक है, कि अब वो 4x4 का ब्लॉक बनाता जाएगा, उनका एक एवरेज कलर निकालेगा और उनके एवरेज कलर के हिसाब से इंफॉर्मेशन जो होगी वो इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग इन कंप्लीट
8 by 8 block वो basically अब जो हमारे पास है एक different लेगा. तो now you can see this कि ये 4 by 4 block बना. अब इसमें color shade हमारे पास थोड़ा ज़्यादा होगा. ये थोड़ी सी कम data loss की compression कहलाती है, medium level की, या sometimes lossless हम कहलाते हैं. ठीक है, तो इस वजह से भी ये lossless हम कह सकते हैं. JPG ये भी support करता है, ये भी सपोर्ट करता है, इससे बड़ी कंप्रेशन भी कर सकता है. ठीक है, 8 बाय 8 की जगह पे 16 बाय 16 का ब्लॉक बना के भी कंप्रेशन कर सकता है जेपीजी. उसमें डेटा बहुत ज्यादा हमारे पास लॉस होता है. तो ये 4 बाय 4 का ब्लॉक बना. ओके, सम टाइम्स हम 1 बाय 1 का ब्लॉक भी बनाते हैं. मींस के एक पिक्सल अगर यहां पर है तो दूसरा पिक्सल, तीसरा पिक्सल, चौथा पिक्सल, उसके एडजेसेंट 4 पिक्सल्स उठाए जाते हैं. ठीक है, इस तरह से. इन अदर वर्ड्स, मैं अगर यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं तो ये पिक्सल्स आ गए, इनको उठा के मैं कर देता हूँ रेड कलर और ये पिक्सल्स आ गए. तो कभी कभी प्योर लॉसलेस के अंदर इस तरह से भी कंप्रेशन की जाती है. ठीक है, कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार एडजस्टमेंट्स उठाए जाते हैं. आगे हमारे पास कलर मोड में एक हम डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा सा इस कंप्रेशन की जो हमारे पास रेशियोज है उसको थोड़ा तफसील में पढ़ा जाएगा. लेकिन दिस इज व्हाट कंप्रेशन टेक्निकली डज विद इमेजेस, विद इमेजेस. ठीक है, कंप्रेशन हर जगह अलग अलग होती है, हर तरह अलग अलग फॉर्म में होती है. डेटा की अलग है, सिग्नल्स की अलग होती है, वेव की अलग कंप्रेशन होती है, फाइल्स की अलग होती है. यहाँ पे हम पिक्सल्स की बात कर रहे हैं. जब पिक्सल्स की कंप्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली कुछ इस तरीके से एक एल्गोरिथम बनाया जाता है कि रीड द पिक्सल, उसके एडजेसेंट पिक्सल की इंफॉर्मेशन निकालो और उसको फिर एवरेज आउट करके एक सिंगल कलर असाइन कर दो. बजाय कि हर पिक्सल के ऊपर अलग अलग कलर हो, हम उसके पिक्सल्स के ग्रुप बना देते हैं. तो समटाइम्स 4x4 इस तरह से बनाया जाता है, समटाइम्स 1x1 इस तरह से बनाया जाता है कि मैं इस तरह का पूरा 1x1 का ब्लॉक बनाता हूं. ठीक है, तो इस तरह का भी 1x1 बनता है, इस तरह का भी बनता है. अब ये डिपेंडिंग ऑन व्हाट एल्गोरिथम और व्हाट इमेज फाइल फॉर्मेट यू आर यूजिंग. तो वो ब्लॉक्स बना के किया जाता है. इससे क्या होता है कि कुछ ही हद तक फाइल कंप्रेस जो है साइज हमारे पास सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाता है, ताकि हर पिक्सल पे तीन 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 बाइट्स में ना दूं बल्कि ब्लॉक बना के पिक्सल्स दे दूं. तो अगर ये वाला भी उठा रहे हैं तो 4 बाइट्स के हिसाब से, ये 4 पिक्सल्स के हिसाब से हमारे पास 12 पिक्सल्स उठा लेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास नॉर्मली 6 बाइट्स आ जाएंगे. तो वी कैन स्टिल सेव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अराउंड हियर एज वेल. तो ये चीज हमारे पास कंप्रेशन के हिसाब से बात की जाती है, जब भी हम कंप्रेशन की बात करें इन एन इमेज. ठीक है, गिफ वेयर एज इज कंसिडर्ड एज अ लॉसलेस. ठीक है, गिफ को टेक्निकली कहा जाता है कि वो लॉसलेस है, कलर लॉस उसमें या डेटा लॉस नहीं होता, कम होता है, लेकिन उसके अंदर भी किसी हद तक होता है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक तो 256 कलर्स है. ठीक है, उसके पास जो पिक्सल्स हमारे पास पैलेट बनता है, उस पैलेट में ऑलरेडी 256 कलर्स होते हैं हमारे पास, तो उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं होती. ईच पिक्सल ऑलरेडी मेमोरी में एक बाइट ही ले रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास जो ब्लॉक बना हुआ है, This block represents a GIF image. ठीक है, तो ये अगर GIF को represent कर रहा है, इसका मतलब एक pixel already memory में एक byte ले रहा है. तो अब इससे ज़्यादा हम और उसको क्या कम करेंगे? और उसके पास maximum 256 colors की कोई गुंजाइश है. तो इस वजह से इसमें compression बहुत कम की जाती है या ना हो की जाती है, जिसकी वजह से sometimes एक छोटी image में GIF ज़्यादा बेहतर quality generate करता है as compared to JPEG. मैं आगे difference पे आके बात करूँगा. ठीक है, तो GIF को हम technically कहते हैं वो lossless होता है. JPEG की अगर हम बात करें तो ये फोटोग्राफी के लिए, स्मूथ एजेस के लिए, प्रोफेशनल इमेजेस के लिए JPEG इज एब्सोल्युटली यूज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. वजह अगेन वही है कि इट इज केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ कलर्स. तो जब वो मिलियंस ऑफ कलर्स रिप्रेजेंट करता है तो उसमें बहुत ज्यादा वेरायटी के साथ हम इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू टेक दिस इमेज, तो इस इमेज के अंदर भी मुझे बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कलर्स नजर आ रहे हैं, और हर कलर के भी शेड्स और बड़ी एक्यूरेटी वो इन्फॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. ठीक है, अगर मैं गिफ करता तो गिफ के अंदर इतनी कलर वेरिएशन मैं नहीं दिखा सकता. गिफ के अंदर इसकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 256 शेड्स ही अलाउड होते हैं. तो फिर वो क्या करेगा कि एक सिंपल पैलेट बना के हर ऑब्जेक्ट्स को सेम सेम कलर असाइन करेगा, जिससे उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है. इसीलिए प्रोफेशनल इमेजेस के लिए हमेशा जेपेग को ही प्रेफर किया जाता है. दूसरा, इसकी एजेस बड़ी स्मूथ हो जाती हैं. एज यू कैन सी दिस, अगर आप कंप्रेशन कम रखिए तो बड़ी नाइस एंड क्रिस्प हमें एजेस नजर आ रही हैं. ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन अच्छी है तो हमारे पास तस्वीर की क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाती है. लाइन ड्राइंग्स एंड टेक्स्ट के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है सिर्फ गिफ. लाइन ड्राइंग्स हैं, जैसे ये लाइन बनी हुई है. ठीक है, ये लाइन बनी हुई है, तो इस लाइन मुझे अगर सिंपल बनानी है तो क्योंकि इसमें सिंगल कलर है और एक सिंगल रो ऑफ पिक्सल जा रहे हैं, तो ये गिफ इमेज ज्यादा बेहतर तौर पर काम करेगी. फॉर एग्जाम्पल, ये आइकॉन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये लाइंस बनी हुई हैं
और एक सॉलिड कलर है, लाइन बनी हुई है सॉलिड कलर है। ये जो शेप है ये एक्चुअली गिफ में ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आएगा एज कम्पेयर टू जेपीईजी। ठीक, इसी तरह से ये जो आइकॉन बना हुआ, दिस आइकॉन वुड बी मच मोर बेटर रिप्रेजेंटेड इन अ गिफ बिकॉज वो लाइन और शेप को लो क्वालिटी इमेज है तो वो ज्यादा बेहतर तौर पर हमें दिखा सकता है, ओके, एज कम्पेयर टू जेपीईजी। ओके, सो ये हमारे पास उसकी एक थोड़े सा एस्पेक्ट है जिसको हमें मद्देनजर रखना है। ओके, इसी तरह से हम आ जाते हैं बैड एस्पेक्ट्स के ऊपर। एकोज और लाइंस एंड टेक्स्ट हमारे पास इसमें क्रिएट होता है जेपीजी के अंदर। व्हाट डू वी मीन बाय एकोज और लाइंस एंड टेक्स्ट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई कम बैक हियर, इसको रिड्यूस किया और एमएस पेंट में चले जाते हैं वापस, ये मेरे पास एमएस पेंट आ गया। ओके, लेट मी क्रिएट अ सिंपल लाइन विद दिस, और इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी बड़ी कर लेते और मैंने लाइन बना दी। ओके, तो ये लाइन हमारे पास बन गई। ऑब्वियसली ये जेपीजी या इनिशियली जेपीईजी के ऊपर काम करती है। एज सून एज आई स्टार्ट टू जूम इन टू दिस लाइन, ठीक है, यू कैन सी दिस नॉइस डिस्टॉर्शन हमारे पास क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये जो चीज है ये गिफ के अंदर जेपीजी के अंदर बड़ी कॉमनली नोटिस की जाती है। इसी तरह से अगर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ फॉर यहाँ पे, ठीक है, हेलो बी एस आई टी स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको उठा के मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसकी फॉन्ट साइज को मैंने बहुत ओके इतना ज्यादा बड़ा नहीं करते, चले यहां तक, आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा हो गया, वापस आ जाओ। ओके, ये हमने इसके ऊपर एक उप्स सॉरी ये फॉन्ट लिख दिया हमने, ठीक है। Done. अब इसको लेट मी सेव इट एज जेपीईजी, तो मैं इसकी सेव चला जाते हैं पिक्चर्स के अंदर और डमी इसको नाम दे देता हूं फिलहाल में, एंड मेकिंग श्योर इट इज अ जेपीजी फॉर्मेट, क्लिक ऑन सेव। एज सून एज आई सेव, नाउ नोट के व्हाट हैपेंड, इफ आई जूम इनटू दिस इमेज लिटिल बिट मोर, तो यू कैन सी दिस टेक्स्ट हैज सम नॉइज, सम डिस्टॉर्शन, या जिसको हम एको इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, हालांकि हमने टेक्स्ट लिखा था प्योर ब्लैक का था, जैसे यहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन उसके गिर्द ये देखो लाइट ग्रे और इसके गिर्द वेरी लाइट ग्रे और मल्टी शेड्स के बॉर्डर्स हमारे पास डिस्प्ले हो गए। दिस इज व्हाट वी रिफर टू इन टर्म्स ऑफ एकोज ऑन लाइंस एंड टेक्स्ट। कि जेपीजी की सबसे बड़ी बुराई ये है कि जहां पे कर्व्ड लाइंस और शेप्स आ जाते हैं वहां पे उसकी क्रिस्प क्वालिटी खत्म हो जाती है और वो एकोज क्रिएट करता है, मीन्स एक डबल शेड ऑफ इफेक्ट क्रिएट करता है। This double shade of black to grey to light grey is known as echo effect or pixels ki bleeding, एक लफ्ज़ sometimes use किया जाता है, या pixels का echo कहा जाता है कि color, मतलब echo normally वही है, अगर हम आवाज की बात करें तो sound में echo ही होता है कि मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ और वो दोहरा के repeat हो रहा है environment की वजह से, ठीक है, echo 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 जो हो रहा होता है। यहाँ पे text में pixel echo हो रहा है, means pixel का जो color है ओरिजिनल ब्लैक था पर अब वो अपने ब्लैक से हट के साइड वाले पिक्सल्स पे लाइट होता है, हल्का हल्का होता हुआ जा रहा है, तो ये वो एको इफेक्ट क्रिएट हो रहा है और ये वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जो हम बिटमैप इमेजेस के अंदर या जेपीजी इमेजेस के अंदर नोट करते हैं, बिकॉज इट क्रिएट्स दिस इफेक्ट व्हेन इट सेव्स द टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, गिफ के अंदर फिर ये चीज बहुत हमारे पास कम होती है। ओके, सो दिस बिकम्स मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग गिफ और एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग जेपीजी, इसके टेक्स्ट हमारे पास एको हो रहा होता है। गिव का डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि वो लार्ज फाइल साइज आप यूज नहीं कर सकते। इफ इट इज अ लार्ज फाइल साइज गिव क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह से फिर आ जाते हैं भाईजान पीएनजी के ऊपर। अब पीएनजी बेसिकली बनाया गया था जेपीजी और गिव के दरमियान में एक मिड लेवल के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, ओके, सो जब हम गिव की पीएनजी की बात करते हैं तो पीएनजी स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, स्पेसिफिकली इसको रखा गया था ताकि इट कैन बी अ ब्लेंड बिटवीन पीएनजी गिफ एंड जेपीजी। ठीक है, गिफ और जेपीजी के दरमियान का एक ब्लेंड रखा गया था। रिमेंबर गिफ के एक मेजर एडवांटेज ये भी है कि गिफ सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एज वेल। ठीक है, पीएनजी जेपीजी इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर इसकी टेबल में हम बनाने बैठे तो इसमें गिफ ऑल्सो सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी और पीएनजी वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इसको अगर मैं यहाँ पे, बल्कि इसकी टेबल को अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूं,
इंसर्ट टेबल और ये तीन पॉइंट्स को मैं नीचे लेकर आ जाऊं इधर ही. क्या हो गया टेबल किधर गई मेरी, हियर इट इज. ठीक है तो ये यहाँ पर आ गई. इसकी अगर मैं बात को रखूं तो हमारे पास एक चीज और ये आ जाती है कि जो GIF है इट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एज वेल. ओके और एक मिनट मैं इस पैनल को हटा दूं, इसके लेआउट पे जाके इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देते हैं. ओके नो ट्रांसपेरेंसी, जबकि ये जो है एस यू सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी. ये GIF का एडवांटेज है, GIF सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी. Whereas, JPG जो हमारे पास है वो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करती. ट्रांसपेरेंट का मतलब ये कि आपकी जो इमेज होगी वो सिर्फ एक सिलेक्टेड एरिया पे नजर आएगी, बाकी इर्द गिर्द आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. ठीक है GIF के अंदर ये चीज हो सकती है, JPG के अंदर ये चीज हमारे पास नहीं हो सकती. दूसरा नो एनिमेशन सपोर्ट. ठीक है सपोर्ट्स एनिमेशन इसमें हमारे पास होती है. ओके In other words, हम इसमें animated features दिखा सकते हैं. For example, this is a GIF image actually technically. ठीक है ये animation कहलाती है कि आपकी GIF image automatically animate हो रही है. JPG के अंदर ये चीज नहीं आ सकती, वो static single image होती है. इसके अंदर फिर हमारे पास इसी में आ जाता है कि वो static single layer image बन जाती है, जिसके अंदर हमारे पास multi layer image कहलाती है. ठीक अब सिंगल लेयर का मतलब ये कि इसमें सिर्फ एक ही पिक्सल्स उसकी कलर इंफॉर्मेशन है. वेयर एज अगर हम GIF की बात करें तो टेक्निकली इसका मतलब ये होता है, इसका टेक्निकली मतलब ये होता है कि नाउ इसके अंदर जो है ना ये एनिमेशन का जो सपोर्ट है वो मल्टी लेयर पर है. तो ये जो एनिमेशन है दरअसल ये 5-6-7-8 डिफरेंट तस्वीरें हैं, वो डिफरेंट लेयर्स पर रखी गई हैं और उनको एक टाइमिंग लूप के साथ चलाया गया. तो एक एक तस्वीर आपके सामने प्लेबैक हो रही है जिसकी वजह से आपको एनिमेशन सपोर्ट नजर आ रही है. तो टेक्निकली GIF इज सपोर्ट इज एबल टू सपोर्ट मल्टी लेयर इंफॉर्मेशन इनसाइड इट. ठीक है JPG नहीं करता. तो ये इसके सब बैड एस्पेक्ट्स के अंदर ये इसके बैड एस्पेक्ट्स आते हैं. नो ट्रांसपेरेंसी, नो एनिमेशन, सिंगल लेयर इमेज है. GIF की एडवांटेज ये कि सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, एनिमेशन सपोर्ट करता है बिकॉज इट हैज अ मल्टी लेयर फीचर. तो एक ही GIF के अंदर एक्चुअली हम 3-4 तस्वीरें इनको पोस्ट करके रख सकते हैं. समटाइम्स इसको हम सीक्रेसी के लिए या वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं एज वेल. GIF टेक्निकली इसमें एनिमेशन शो नहीं होती, लेकिन इंटरनली एक तस्वीर के अंदर 2-3 और तस्वीरें हिडन करके रखी जाती हैं. इसको समटाइम्स हैक के लिए भी किसी जमाने में यूज किया जाता था कि आपके पास GIF नजर आ रही है, टू व्यू इट डबल क्लिक ऑन इट ताकि ब्राउजर में खुले, सामने एक तस्वीर होगी, पीछे दूसरी तस्वीर जो होगी वो सिस्टम या पीछे दूसरी एक लेयर पे डेटा पड़ा होगा जो आपके सिस्टम के डेटा को एक्सेस करेगा. बहरहाल अब खैर वो पुराने दौर था. नाउ इट हैज अ बेटर सिक्योरिटी के अलग एस्पेक्ट है, लेकिन ये GIF का एक मेजर एस्पेक्ट आ जाता है. अब आ जाते हैं